पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। नए साल की शुरुआत में चंडीगढ़ में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे। चंडीगढ़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आए थे, जिसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। लेकिन अब कोरोना के केस धीरे धीरे कम होने की वजह से पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है। लोगों के लिए कई सार्वजनिक स्थान खोल दिए गए हैं और दुकानदारों को भी राहत देने के लिए दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। करनाल में सुपर मॉल में स्पा सेंटर में करनाल पुलिस की तरफ से रेड की गई। सुपर मॉल में स्पा सेंटर में गलत काम होने की पुलिस लगातार शिकायतें मिल रही थी और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज पुलिस की तरफ से सुपर मॉल में कई स्पा सेंटर में रेड की गई, जहां पर कई युवतियों को हिरासत में लिया गया। पकड़ी गई लड़कियां कैमरे के सामने अपना मुंह छुपाती भाग रही थी। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। हांसी में हनुमान कॉलोनी निवासी वजीत का 12 साल का पुत्र अनुज गली में खेल रहा था, तभी चाइनीज मांझा उसके पाँव में लिपट गया और टांग में कट लगने से उसकी नस कट गई, वह लहूलुहान हो गया। गुरुवार को नूह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नूह पुलिस ने हरियाणा और राजस्थान में मोस्ट वांटेड बदमाश वसीम उर्फ चट्टू को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। नूह डीएसपी सुधीर त्रेजा ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस की ओर से अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ के लिए चलाया हुआ है। सिरसा के नाथूसरी चोपटा खंड के गांव मानक दीवान में एक अधेड़ व्यक्ति को रंजिश के चलते घर में घुस के गोली मारने का मामला सामने आया है। गोलियां लगने से घायल करीब 60 साल का बाल सिंह को सिरसा के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।